हाँ यहाँ पे चाचा भी आए हैं। ओम नमः शिवाय। इंग्लिश में काम क्या है? ये अंदर से कैसे निकला? मैं नहा खो यार, मैं नहीं जानती। मैं इंग्लिश में काम क्या है? इसको अभी मैं देखती हूँ। हाँ कर चल। ये पपीता के अंदर से निकला? हाँ अंदर हूँ तो। भाई मोरे तो नहीं किया। मोरे तो जी। यार फूल डू हाँ। फूल जी हूँ। कॉपियन फूल है। फूल ने अंदर पानी हाँख अच्छे फूल ने अंदर ना था यो हाँख ना जा रही क्या रही पानी नम वालो पानी नम वालो ही ना यो ये कुछ ओके ये वो मायो तो मिंब मोकली आये ने साकुले वागोई है तो अभी सनसेट हुआ है वो वहाँ पे मेरा बाइक है साइकिल है मेरा वहाँ पे शिवानी है बहुत टेस्टी पपीता है पोपिया बोलते हैं इसको पोपिया खाना है ना एक एक जाए के एक प्रसाद मणि एक तो खवाई जाए सिर एक जाए को प्रसाद ले ला अबदन प्रसाद तो भाई ये दूसरा वो भी है ये भी पका हुआ है लेकिन वो क्यों नहीं इसको भी खोलेंगे पहले ये खा लेते हैं फिर वो खाएंगे ऐसा अभी ऑरेंज टाइम हुआ है ऑरेंज खा रहे हैं हम दोनों भारती का ये की इसके छिलके निकाल के जब मैं दूंगा ना तो वो खाती है मुझे ना खाना नहीं था लेकिन रामदेव जैसे ही इसको खोला मुझे स्मेल आई तो मैं पीछे पीछे यहाँ तक आ गई वैसे मुझे जाना था अभी वहाँ पे थोड़ी सी सर्दी है और सर्दी में ऑरेंज अच्छा होता है सबको खाना चाहिए वैसे तो सर्दी भी बहुत सारे लोगों को है चल नहीं, 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 नहीं। मीरा ये भी स्मेल कर रही है इसका पता है ऑरेंज के छिलके निकाल के एक दूसरे को उड़ाते थे उसमें जो पानी निकलता है वो ऑरेंज के छिलकों में आंखें क्लीन करते थे और सच में ऐसे भी गिरते थे नहीं हम बहुत सीरियस थे उस टाइम पे आंखें क्लीन करना अच्छी तरह लेकिन ये 90s और 80s वालों ने जो किया ना उसके बाद के जो मॉडल्स है ना 2000 के बाद के वो नहीं उनको पता वो वाला सारा कुछ ओम ओम भी आ गया है यहाँ पे बाय बाय ये तो जा रहा है कहाँ तक जाएगा पता नहीं राम राम सीताराम सबको गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी रामदेव के लिए रेड चाय बना रही हूँ जिसमें मैंने पहले पानी ऐड किया है चाय पत्ती एक स्पून से थोड़ी सी कम ऐड की है इसमें दो लोगों के लिए मैं बना रही हूँ और साथ में अदरक डाला है इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और अभी ये थोड़ा सा रेडी हो जाए और ये आप ज़रूर ट्राई करना डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है और अब मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करने वाली हूँ तो इसमें मैं इतना गुड़ ऐड कर देती हूँ इसमें शुगर भी नहीं है दूध भी नहीं है रामदेव आई थिंक लास्ट 3-4 महीने से ये पी रहा है और इससे बहुत ही कम रामदेव को अब जैसे गैस की प्रॉब्लम होती है या डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो बहुत अच्छा है अभी इसको 2 मिनट रखना है और फिर बंद कर देना अब ये हो गया है रेडी अब मैं इसमें ये एक नींबू ऐड कर दूंगी अगर ये इसमें सीधा नहीं डालना है तो आप सीधा कप में डाल के फिर ये चाय इसमें भी डाल सकते हो और इसमें आप 1-2 तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हो वो भी अच्छा टेस्ट आएगा इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है रामदेव को कड़क ज़्यादा पीना होता है इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा चाय पत्ती डालती हूँ आप इससे कम भी डाल सकते हो लेकिन ट्राई ज़रूर करना कैसा लगेगा आपको लिविंग एरिया आ गया है यहाँ पे खेत में सिर्फ घर हमारा यहाँ पे लिविंग एरिया ये पूरा हमारा लिविंग एरिया ही है यहीं पे भी लिविंग कर सकते और जब काम होता है तो ये बेडरूम भी हो जाता है कहीं भी सो जाते वैसे तो अभी हम इतना नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पार्टनर्स है वरना किसानों को ये होता है कि रात को जब पानी चल रहा होता है मूंगफली का काम चल रहा होता है गेहूं का चल रहा होता है तो खेत में रखे लाबो पड़े पानी आवे ना जागे जाए यहाँ पे अभी सब्जी बनेगी इसकी लीला बटाना क्यूटी क्यूटी बाबू आज ओम नहीं उठा अभी तक पता नहीं अभी उठा ओके मैं मुझे बैठ तो दो आ गया बैठने दो मुझे बैठने दो
बस 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 क्या कर रहे हो हा? इसको भी ओम जैसे आराम से बैठना नहीं होता, इतनी एक्साइटमेंट होती है। बस बाहू नहीं कुछ नहीं है जब होटको का सुबह सुबह इसका नाम रखा है हमने और डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे पीलू के बेबी का नाम। हाँ। तुमको दो नाम सिलेक्ट करने सिलेक्ट करके रखने होंगे। हाँ, क्योंकि में जाके उसका नामकरण बापू ही करेगा। ले बापू ले है क्योंकि तुम लोगों को नाम जो होते हैं वो कुछ लास्ट टाइम एक बच्चा था जो आभा और बंसी था, तो बंसी एक बच्चा है लास्ट ईयर से, लेकिन ओम बोल रहा है कि वो बंसी के हो जाएंगे। नहीं बंसी तो नहीं रखना, कुछ और सोचो। इतवन तो ने बापू की है, ये अपनी याद आवे जाए था अपने गम है तो रखियो न को नहीं रखिए बापू की। तो इवनिंग में अभी आजकल रूटीन इजी है, इसमें सिर्फ खाना डालना है हमारे जानवर जो हमारे मतलब पशु है, गाय है घोड़ी है, उसको तो भर्ती कर रही है। शिवानी को जोगान भी देना होता है खाना, मतलब शिवानी को डालना होगा। हाँ। बाकी रजका कटा है गायों के लिए। दौड़ के क्यों कर रही है? अभी वो बाथरूम में अभी बुलाएगा। आज उल्टा आज तुमने भी मेरा पकड़ा, वरना रोज मेरा पकड़ती। अब जब ये होता है ना तो शिवानी रेडी हो जाती है यहाँ आने के लिए, उसको पता है कि खाना मेरा हो गया। और इसमें हिमालय बतीसा डाल दो, तो जो अश्व पालक है उनको बहुत बार पूछते हैं कि आप क्या देते, क्या ये अच्छा है जो क्या हिमालय बतीसा करके आता है, और इसमें बहुत चीज़ें होती है अंदर, काली जीरी से लेके बहुत ही देसी जो औषधियाँ होती है वो है इसके अंदर, वो पीछे लिखा होता है सारा कुछ। और ये इस तरह का दिखता है हिमालय बतीसा, आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाके ले सकते हैं। इसका हुलिया बिगड़ गया है, वो तो धूल होती है इसके ऊपर। हाँ डाल दो, नहीं करो आता कहीं नाखता पहले ठीक है, मैं हमने चालू करियो। हां बस यहां बस बस अभी भी और पुराने टाइम में भी गायें घोड़ियाँ जो भी होती थी उसका काम हमारी औरतें ज़्यादातर करती थी, घोड़ियों को खास करके उसको अच्छा खाना खिलाना, लापसी बना के घी खिलाना, गुड़ खिलाना, ताकि मेन ट्रांसपोर्टेशन जो होता था वो घोड़ों पे ही होता था। और घोड़े अगर अच्छे हैं तो जो औरतें उनका काम कर रही है उनके हस्बैंड को जल्दी घर पहुँचाते, इसलिए घोड़ों पर हमारे में बहुत गीत भी होते जो मैरिजिस में गाए जाते, वो मम्मी से कभी सुनवाएंगे। घोड़ी के जो क्या बोलते हैं उसको प्रेज करते हैं घोड़ी को, घोड़ी को प्यार से बोलते हैं कि उसको लेके जल्दी आओ, ऐसे वाले बहुत सारे गीत होते थे। वो एक कुछ नहीं था, और औरतों का एक हमारे घोड़ियों से खास कनेक्शन होता है कि उसको प्यार से रखते हैं, खिलाते हैं, ताकि जब वो लड़ाई में भी उसको लेके जाते हैं, दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन उसमें भी उसको लेके जाते थे, तो उसको बहुत संभाल के रखते थे। आजकल तो घोड़े लोग शौक से रखते हैं, फिर भी उसी स्टाइल में रखने की कोशिश करनी है। लड़कियों को भी शौक भी है, लेकिन जैसे इसको लोग कि वो मुझे मारेगा काटेगा ऐसे नहीं करना चाहिए, डरना हाँ, नहीं चाहिए। डर हाँ, होता नहीं है क्षत्रियाणियों में, डर नहीं होना चाहिए और क्योंकि डर डर के फिर आपके पेट में अगर बच्चा है ना तो वो भी डरेगा। नहीं जीना है तो शान से जियो, थोड़ा ही जियो लेकिन शांति ने जो भी उनकी लाइफ है उसमें पूरा जो घोड़ों का जो साथ रहा है उनका, तो दुहे होते हैं साथ साथ, और घोड़ों ने उनको बहुत साथ दिया है, इसीलिए घोड़े और हिस्ट्री में हमेशा ही घोड़ों को रखा जाता है, और हिस्ट्री घोड़ों ने ही बनाई है हमारे पूर्वजों के साथ भी बहुत सारी लड़ाइयों में भी पहले तो से थे ना। घोड़े और गाय दोनों देव समान है, घोड़ों को
नचाना एक तो नहीं चाहिए, लोग उनके धंधे के लिए करते हो ठीक है, लेकिन मैं उस बात से भी अगेंस्ट हूँ। घोड़ों को नचाना बिल्कुल नहीं चाहिए, वो राइड ठीक है करते हो तो, लेकिन नचाना गलत बात है। मुझे एक याद आ गया, मुझे ना भाई मेरी इतना आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन वो कुछ था है ना गीत, रोजी घोड़ी पितड़िया पलंग, मतलब रोजी मतलब वो एक को है ना ग्रे कलर होता है, मतलब फ्लाई बीटन ग्रे बोलते हैं उसको घोड़ों की लैंग्वेज में, फ्लाई बीटन जैसे मक्खी ने काटा वैसे ब्लैक डाग होते हैं उसके ऊपर धब्बे, और ग्रे कलर पितलिया मतलब जो पेगड़ा जिसको हम जिसके ऊपर पैर रख के हम चढ़ते हैं वो पीतल का होते थे पुराने टाइम में, तो उसका पूरा घोड़ियों का ऐसे गीत है बहुत सारे। तुम्हें तो इतने आते नहीं है शायद। नहीं मैंने, मुझे बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन क्या है ना कि गला नहीं चल रहा। नहीं गले की बात नहीं, सोचो जिसको भी आता है जो भी टैलेंट है, हम गाना गाने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे तो अभी शादियों की सीजन है, बहुत सारे और भी सिंगर्स है, उन लोगों की रोजी रोटी देख के हमें सीधा सीधा बोल दो तुम्हें नहीं आता। अभी इसमें से डाल दो मीरा शिवानी के लिए रख देते हैं सुबह के लिए, बाकी हाँ, बाकी उसमें भर के डाल दो ग्रीन वाले में, भर के जाओ भर के जाओ भर के जाओ भर के जाओ। हेलो आप ली हेलो ये गायों का फेवरेट खाना होता है, तो पीछे पीछे भाग के जाएगी दोनों की दोनों, तीनों की तीनों वैसे। पाखुंधिए सूटी पाड़े ना बहु सेटी नाखवी जो है बहु सेटी मीरा आज ना कदे से टोली गमाणी आज ओली माथी काट लीजिए। ओके तो अभी बाहु जी ने देखा तो 6:30 बजे वैसे तो, लेकिन अभी हम फ्रेश होके आ गए, ओम को भी निकाल दिया और मैंने भी ट्रेडिशनल ड्रेस चेंज कर दिया, तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लग, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ अभी अभी मुझे क्या करना है, कुकिंग बाकी है तो खिचड़ी भी नहीं रखे, मम्मी अभी गए चाचा के घर तो वो भी नहीं आए, तो अभी मैं जल्दी जल्दी इंद्राम दे गया है दूध लेने के लिए मामा के घर, उनको भी खिचड़ी खिलानी बाकी है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस पड़ा हुआ है एंड सब कुछ क्लीनिंग भी करना है, कुकिंग भी करना है, थोड़ा सा एडिटिंग भी बाकी है, तो इसी के साथ वीडियो कर दे यहाँ पे ख़त्म। ओके और ये कैमरा है क्या? ओके तो जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू बाय। बाय डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर लाइक बाय एंड नो कहीं चीज नो पोल्यूशन नो बजाय ओके बाय बाय बाय। ओके अब नमस्ते वे कर दो तुम और बाहु मिलकर, ओम नमः शिवाय। बाहु ने तो दोनों हाथ से कहा था। ओके बाय बाय।